दोस्तों, आज मैं यहाँ एडनबरा के प्रिंसेस ये जो पार्क है इसमें आया हुआ हूँ। और यहाँ मेरा रोज का आना होता था और आज भी मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। तो सुबह सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक में लोग बहुत सारे आ जाते हैं, तो मैं भी इधर मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो इसको मैं यहाँ एडनबरा का ये दृश्य भूल नहीं पाऊंगा, तो ये बहुत ही याद में रहेगी मेरी, क्योंकि अब मेरा एडनबरा का जो टूर है वो खत्म होने वाला है। मैं अब इंडिया आऊंगा, तो ये यादें रह जाएंगी मेरी। और आज मैं इन यादों को अपने वीडियो में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो, जितनी भी वीडियो है मेरी, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग पसंद कीजिए, इन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आज कोशिश करूँगा आपको कुछ जो क्षण है मेरे, जहाँ जहाँ मैं घूमा था, उनका कुछ वीडियोग्राफी कर पाऊँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा आपको, ये कैसल है, किला है यहाँ का। तो इसको देखने के लिए भी काफी पर्यटक आते हैं यहाँ। और यहाँ ये नीचे सुंदर पार्क बना हुआ है, तो इस पार्क में भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, इस वजह से आपको ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये है प्रिंसेस पार्क एडनबरा का। दोस्तों, ये जो चेयर्स लगी हुई हैं, ये भी काफ़ी महत्व है इनका, क्योंकि ये जो यहाँ जिन्होंने अपनी लाइफ्स खो दी है, जो बच्चे या कोई भी जिनकी डेथ हुई है, उनकी मेमोरी में ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो लोग जब भी आते हैं यहाँ, जिनका जब डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस समय इन कुर्सियों पर आपको ये फूल नज़र आ जाएंगे। और बहुत ही लोग बैठे रहते हैं यहाँ, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का भी मज़ा लेते रहते हैं। ये देखिए सुंदर दृश्य यहाँ का। इस वक्त थोड़ी बहुत धूप आ रखी है और कभी धूप चली भी जा रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये, कहीं बीच बीच में धूप का आना, फिर धूप का चले जाना, सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये प्रिंसेस स्ट्रीट दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं कई बार आया हूँ और शायद आपने कई वीडियो देखी होंगी मेरी इस पार्क की। यहाँ पर ये सुंदर दुकानें भी बनने लग गई हैं। तो जब पहले आया था मैं, तो तब ऐसी दुकानें नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे ये चाय कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट, ऐसी फास्ट फूड आइटम की दुकानें खोल दी हैं। और ये देखिए नज़ारा यहाँ का, ये ऊपर से आया हूँ मैं, और अब यहाँ से देखिए ये चारों तरफ सुंदर हरियाली फैली हुई है और ये मनमोहक दृश्य होता है। और सामने ये एक सुंदर झरना है, जिस झरने को देखने के लिए काफी पर्यटक आते हैं यहाँ पे और अपनी फोटो लेते हैं। और ये भी यहाँ का प्रसिद्ध झरना था, मेरी कई वीडियो में आपको झरना नजर आया होगा।
सिंगर को खाने सजा रखी इन्होंने, और ये अब बनी है दुकानें, पहले नहीं थी। और वो सामने बच्चों के खेलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ बनाया गया है, बहुत अच्छा है। और इस तरह से सीगुल भी आके यहाँ पे पानी पीने लग जाती हैं, और लोगों से जब यहाँ पर खाने के लिए लोग बैठते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, किसी को डरती नहीं है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और मैं कई बार वैसे तो आया हूँ, और आज इन्हें अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा हूँ। तो और इस तरफ ये नीचे किले के नीचे जो ये रास्ता दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर किला है ये। तो मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपको रेलवे लाइन की, रेलवे की भी, और एक मेरे ख्याल से एक ट्रेन खड़ी है, ये आवाज़ आई होगी शायद आपको। ये है नीचे ये ट्रेन, ये खूबसूरती थी यहाँ एडनबरा की, जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा। और इतनी खूबसूरत जगह ये, इसको भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों ने एडनबरा को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है कि पर्यटक यहाँ आके खुश हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सामने झरना बहता हो, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों मैं छोटे छोटे दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो आप यहाँ की देख चुके हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो यहाँ की खास देखने योग्य चीज़ें हैं उनको दिखाऊं, और आप दोबारा एक बार याद दिला दूँ कि भाई यहाँ मैंने क्या क्या देखा था, जो कि वीडियो बनाकर आपके सामने भी पेश किया था। तो अब मैं सीधा सामने दिखाऊंगा आपको, वहाँ भी बहुत कुछ है। सुंदर चिड़िया गई है यहाँ पे, काफी है इस तरह की चिड़िया नजर आ जाएंगे आपको भी। और ये एक कुकुती, ये देखिए सुंदर चिड़िया है। और ये देखिए एक ये देखिए, ये सारी कुर्सियाँ वही रखी हुई हैं, और जो यहाँ के मेमोरी में, और एक रॉक ये भी रखा हुआ है, और यहाँ श्रद्धांजलि दे रखी है। वहाँ पे लिखा भी है कि किस वजह से, क्योंकि यहाँ जो स्मॉल चिल्ड्रन थे उनकी याददाश्त में ये, जिनकी डेथ हो चुकी है, आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, उनकी याद में ये पार्क बनाया गया है।
दोस्तों ये योगा सेंटर था यहाँ का, यहाँ पे योगा होता है। और एक दिन मैं भी आया था यहाँ योगा करने, वो इंडियन एम्बेसी ने, भारत सरकार ने आयोजन किया था उसका, तो उसमें योगा डे के दिन तो हम भी आए थे, कई इंडियंस थे। और ये जो सामने दिख रहा आपको, ये प्रिंसेस स्ट्रीट की बिल्डिंग्स हैं और बसें खड़ी हैं वहाँ, आपको दिख रही होंगी। तो बहुत ही सुनहरा क्षण हुआ करता था ये, जो कि आज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और अपनी जो याददाश्त थी मेरी यहाँ की, वो छोटे छोटे वीडियो में पिरो रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये ऊपर किला किला नजर आ रहा होगा आपको, ये किला है। और ये नीचे एक ब्रिज है जो कि बंद रहता है, बंद क्या होता है, और इसके नीचे रेलवे लाइन है। और इधर से एक जाऊंगा मैं अब। दोस्तों ये यहाँ का वॉर मेमोरियल है, जो वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे लोग, जो सोल्जर शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में ही बनाया गया है। और यहाँ पे उनका विवरण लिखा हुआ है कि किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, 1916-18 जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके मेमोरी में ही सारे मेमोरियल पार्क है, किस्म से उन सोल्जरों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें इंडियन सोल्जर्स के भी नाम है और बहुत जगह के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियन आल्सो। तो यहाँ पर जिन जिन देशों के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी मेमोरी में ये पार्क बनाया हुआ है और यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये प्रिंसेस पार्क के कॉर्नर में बना हुआ है, और नीचे बहुत सुंदर फूल खिले हुए, फूल लगाए हुए हैं। तो आप कभी आइएगा, ये भी जरूर देखिएगा। प्रिंसेस पार्क के कॉर्नर में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, तो यहाँ कोई रहते हैं तो यहाँ अंदर जाना मना है, लेकिन कोई रहते हैं यहाँ पर सिद्ध, यहाँ के होंगे, वही इस सुंदर पार्क में इनका रेस्टोरेंस है, कोई रॉयल फैमिली से होंगे या कुछ होंगे, लेकिन अच्छा है। आजकल ये सुंदर गुलाब भी खिले हुए हैं यहाँ, और ये गुलाब बहुत ही बड़े साइज के हैं, काफी बड़े हैं, सुंदर गुलाब है। अब मैं ऊपर आ गया हूँ प्रिंसेस पार्क की सीढ़ियों से होते हुए, और यहाँ एक बहुत ही सुंदर सीनरी बनी हुई है। और देखिए सारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, इस तरह से टीचर्स भी उनके साथ जाती हैं और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। ये पूरा प्रिंसेस स्ट्रीट है, और यहाँ भी मैं अधिकतर घूमने आता था। ये देखिए सुंदर ट्राम जाती हुई, ये सारा प्रिंसेस स्ट्रीट है। और मैं अब यहाँ के भी काफी वीडियो मैंने दिखाई है आपको, सामने से सामने वो बिल्डिंग कई बार दिखाई है मैंने ये वीडियो आपको। तो ये याद के कुछ क्षण है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से ट्राम का आना जाना, बसों का, सुंदर सुंदर बच्चे
पर्यटकों का बहुत अच्छा लगता था। और ये नीचे देखिए सामने देखिए फूल खिले हुए हैं, वो दिखाऊंगा सारे गुलाब के फूल हैं वो। और ये प्रिंसेस पार्क है और यहाँ पर्यटक ऊपर प्रिंसेस स्ट्रीट से एक किला दिख रहा है, ये पर्यटक सामने। यहाँ अधिकतर डबल टेकर बसें होती हैं, डबल वाली। और वो सामने देखिए, वहाँ से भी आगे गया था मैं, वहाँ भी तो आपको दिखाया था उधर का भी, वो मेरी दूसरी वीडियो में है। सुंदर स्टैचू और सामने क्या सुंदर नजारा है। ये जो बस आ रही सामने, टूरिस्ट बस होती है पीले रंग की, और ये लोकल बसें जा रही है। दोस्तों मैं आज की वीडियो प्रिंसेस स्ट्रीट और ये प्रिंसेस पार्क की दिखाई मैंने, और आज ही मैं इस वीडियो का आप लोकेशन बंद करता हूँ। मैंने आप ये दिखाई मैंने प्रिंसेस स्ट्रीट और प्रिंसेस पार्क की वीडियो। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी अन्य वीडियो भी हैं इस प्रिंसेस पार्क की और कई जगहों की एडनबरा की, उन्हें भी देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, इसका मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही देखते रहिएगा, मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।